आसपास कोई घूमने की जगह बताओ है तो हैदराबाद में। यस बहुत है। क्या बात है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हमारा हैदराबाद का डे टू एंड हम सब अभी उठ चुके हैं, एक बज चुके हैं ऑलमोस्ट दोपहर के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, नाश्ता तो नहीं बोलेंगे, लंच करने जा रहे हैं। मैं, केशव भाई, वीरेंद्र, जसप्रीत, कृष्णा भाई, तो जाएंगे, देखेंगे क्या प्लान है, क्या खाएंगे दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमें जाना है ऑफिस, वहाँ पे जो मस्ती होगी दिखाएंगे। बने रहिए इस व्लॉग में। तो भाई हम लोग आए महफिल में, भाइयों ने मंगवाई है बिरयानी, अपन वेज आदमी, अपन ने लिए पनीर। कैसा है? मस्त। आवाज नहीं आ रही। मस्त मस्त। सो गाइस, हम लोग हो रहे हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, केशव भाई ऑलमोस्ट रेडी हैं, आराम कर रहे हैं। कृष्णा भाई बाल सेट कर रहा है, वीरेंद्र भाई रेडी होके आ गए हैं। अभी जसप्रीत दूसरे रूम में, वो रेडी हो रहा है, उसको टाइम लगता है टर्बन बांधने में। फिर यहाँ से चलेंगे आज अपने ऑफिस के कलीग से मिलेंगे, बने रहिए, दिखाते हैं आपको। खाना खा लिया था हमने, खाना अच्छा था, बहुत ठीक था, मतलब इस बार अच्छी दूसरी जगह ट्राई करेंगे। वो होटल के पास था इसलिए हम लोग चले गए थे, महफिल नाम से कुछ जगह थी। हाँ, बिरयानी ट्राई की वहाँ पे, बट ऐसी नहीं थी कुछ खास। देखते हैं अभी ऑफिस के कलीग से पूछेंगे कहाँ जाके अच्छी जगह है, वहाँ पे जाएंगे, बने रहिए। हेलो नारू भैया, कोई जगह बताओ यार आसपास घूमने के लिए। इधर आसपास कोई घूमने की जगह बताओ है तो हैदराबाद में। यस बहुत है, बताइए क्या क्या देखा अभी तक। अभी तो आज फर्स्ट डे हमारा। अच्छा, रामोजी फिल्म सिटी है वो देखना। यहाँ से कितना दूर है वो? रामोजी फिल्म सिटी ऑलमोस्ट यहाँ से अप एंड डाउन 120 रहेगा। 130 70-60 किलोमीटर रहेगा यहाँ से। 30-30 रहेगा। एक दिन तो वहाँ जाएगा पूरा? नहीं, तो एक दिन पूरा जाएगा, पूरा जाता है। और सेकंड मंथ देखना है तो एक सारेगाना लोकल साइड से भी रहेगा। टैंक बांध क्या बताया? टैंक बांध ओके, न्यू सेकंड रेट टैंक बांध। वो एरिया है बाजू में बिरला मंदिर है, और इंडियन स्टेडियम है, इंडियन घाट है, और इधर सोलर सिंह भी है, चार मीनार है, भाग्यलक्ष्मी मॉड टेम्पल है। पीछे था गच्ची बोली, ये हाईटेक सिटी बगल में फाइनेंशियल वो फ्लावर के नीचे है ना, फ्लावर चढ़ने के टाइम पे नीचे, दैट इज ओनली गच्ची बोली। वो ये रे पूरा गच्ची बोली, यहाँ फ्लाईओवर से इस तरफ पूरा हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी फाइनली पहुंच चुके हैं ये हाईटेक सिटी में, माइंड स्पेस में हमारी बिल्डिंग है एलटीआई माइंड ट्री। और भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मेन बात तो ये है,
जब हम लोग आने से पहले ना कलीग्स बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है भाई, लेकिन जब हम आए हैं भाई साहब मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, कल इतनी बारिश, आज भी बारिश हुई है। एंड एज यू कैन सी गाइस, हमारे वेलकम के लिए यहाँ पे शानदार पार्टी रखी हुई है। हैप्पी वाइब फेस्ट। चलते हैं, देखते हैं, मजा आएगा। सो गाइस, यहाँ पे लाइव बैंड भी चल रहा है, देखते हैं। अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आँखें। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है फन फिस्ट, एंड इसका हमें बनाना पड़ेगा एरोप्लेन। प्रभा विल मेक इट फॉर मी, बनाओ, यू हैव टू नाउ। देख भाई बना, बनाने वाले को इसको। सो गाइस, ये मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं सब, शशांत भाई, प्रभा, इन दोनों को आप जानते ही हो। हाय से हाय प्रभा। गया कृष्णा का गया भाई, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाथ पीछे ये ट्राई किए पर इनसे हुआ नहीं। लाइक शेयर शेयर। सो गाइस, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर, कंपनी हमारी इतना सब कर रही है, अच्छी बात है भाई, मज़ा आया। और ये पूरे एम्बेसी में सबके लिए ही है, देख सकते हो आप। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत मस्त वाइब है भाई, हैदराबाद में मजा आ रहा है अभी हमें। मौसम, क्योंकि मौसम भी सही हो रहा है, सबसे मेन बात ये है। खाना खा लिया हमने, अच्छा था खाना, एंजॉय किया बहुत, काफ़ी टाइम सबसे मिले। अभी नीचे जो इवेंट चल रहा था ना, उसमें था डीजे नाइट होने का प्लान था, डांस एंड ऑल, बट अभी यहाँ पे हो गई है सडनली बारिश, तो वो प्लान तो
मुझे कैंसर ही लग रहा है, वरना हम तो सोच रहे थे रेनी डांस भी हो सकता है, रेन डांस, बट नहीं लग रहा वो। बने रहिए इस व्लॉग में, देखते भी आगे क्या प्लान करेंगे। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन, हमारे सुशांत भाई एक्सपर्ट है उसमें, और सामने है एक मॉडल एक्टर मिस्टर केशव माली एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर सुशांत। तो गाइस अभी भी डीजे नाइट चल रही है, थोड़ा लेट हो गया। सो गाइस यहाँ पे लग चुका है चैलेंज कृष्णा भाई और शिवाजी भाई के बीच में। सो जैसा आप देख सकते हो, देखिए कौन जीतेगा। यू प्लेड, यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक। हेलो गाइस, सो आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने साथ में खाना खाया सब ने ऑफिस में, जिनसे हम वर्चुअली मिलते थे आज सबसे इन पर्सन मिले। डीजे नाइट थी, बंद हो गई थी एक बार तो कि नहीं लग रहा था होगा, बट बारिश रुकी तो डीजे नाइट भी हुई वहाँ पे, अच्छा लगा। उसके बाद हमने मतलब ब्रेक पे गए, चाय वाय पी और अपने कलीग से मिले अच्छे से। सो अभी हम निकल रहे हैं अपने रूम होटल के लिए, वहाँ पर जाते हैं, थक तो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बट देखते हैं। सो ऑफिस वालों ने कैब अरेंज कर दी हमारे लिए। कृष्णा केशव, अभी अपने होटल में आ चुके वापस, और दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में हमारा। यहाँ से गए, कंपनी ने कैंप करके दी, आते वक्त भी कैंप करके दी हमको। और डीजे नाइट थी वहाँ पे, लाइक जब बारिश आ गई थी तब उन्होंने कहा था कि नहीं होगा पॉसिबल, जब बारिश चली गई फिर हम लोग गए, थोड़ा सा मूवमेंट हमको मिला एंजॉय करने का, मुझे और कृष्णा भाई को, बस बाकी सब ऊपर ही थे ऑफिस में। हाँ, प्रभा ने कॉल किया, प्रभा इज आवर ऑफिस कलीग, तो उसने कॉल किया तो हमने गए नीचे वापस, डांस किया, मस्त मजे किए, फिर उसके बाद खाना वाना खाया ऑफिस वालों के साथ, फिर हम लोग आ गए हैं रूम पे वापस। यही था हमारा आज का डे टू, कल देखते हैं, कल भी इवेंट है ऑफिस में, जाएंगे वहाँ पे, कल जो होगा वो दिखाएंगे आपको ज़रूर।
तो आज का डे टू यही था, कल सुबह शायद तीन रहने वाली है, देखते हैं क्या प्लान बनता है। मिसेस ने की है अभी कितने बजे, तीन तीन चौवालीस हो गए भाई, अभी हो गए रात के 3:44 AM, इट्स AM, तो सुबह देखते कितने बजे उठेंगे और फिर ट्राई करेंगे कहीं आस पास कुछ घूमने गए तो। केशव भाई तो ऑलरेडी सो चुके हैं हमारे, तो सुबह ट्राई करेंगे कहीं जाने का, इफ पॉसिबल हुआ तो हम लोग अगर उठ पाए तो, अदरवाइज डे टू हमारा यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। ट्रू।